12 बजे आदि पुरुष का टीजर। आदि पुरुष का टीजर क्यों बोल रहा हूँ मैं? अरे यार ये यूट्यूबर इतना मेल्प कर रहा है ना, आदि पुरुष आदि पुरुष आदि पुरुष के दिमाग में आदि पुरुष आदि पुरुष घूमता रहता है। अगर रात के सपने में आदि पुरुष आता है तो नहीं नहीं। अगर तुमने कार्तिक ये टू देखी है जैसे तुम्हें वो लगी थी, मैं भी शायद तुम्हें ऐसे ये भी लगे, क्योंकि मूवीज के कॉन्सेप्ट ज्यादातर सेम ही लगते हैं। और मुझे लगता है जो गलती कार्तिक टू ने मेरे अकॉर्डिंग भी की थी वही राम सेतु भी कर रहा है। अभी मैंने गलती बोल दिया है तो तुम भड़को, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली राम सेतु एक बहुत सही मूवी थी जिसने एडवेंचर का वादा किया था, एडवेंचर दिखाया था, माइथोलॉजी का वादा किया था, माइथोलॉजी इंडियन हिस्ट्री का वादा किया था, इंडियन हिस्ट्री भी दिखा। बट क्या तुमने सोचा है कि उसने हमारे साथ क्लिकबेट भी किया? जब तुम उसका पूरा ट्रेलर उठा के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसने द्वारका के बारे में उतनी ही बात की थी मूवी के अंदर जितनी ट्रेलर में बात की थी द्वारका से, और कुछ खास एक्सप्लोर किया नहीं था द्वारका को। और मेरा मेन मोटिव भी जो था वो था द्वारका, मतलब मेरे को और कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनके एडवेंचर में। अभी इन्होंने राम सेतु बहुत चलाया है ट्रेलर टीजर सब के अंदर, इवन कि इनकी मूवी का नाम भी राम सेतु है, तो ऑब्वियसली उनको राम सेतु को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए, ना कि कार्तिक के टू के जैसे जो ट्रेलर में चिल्ला रहे थे द्वारका 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 को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया। अगर तुम एक्चुअल में देखने जाओगे अभी कार्तिक के टू के अंदर क्या था तो ठीक ठाक सा एडवेंचर दिख जाएगा, कृष्णा जी का एक अच्छा खासा मेंशन मिल जाएगा, और बस इसी दिखा देगा हमारे हिंदू हिस्ट्री की फैन फॉलोइंग उसका रेलिवेंस अभी भी कितना है, लोग अभी भी उसे कितना मानते हैं, कितना देखना चाहते हैं, कि कितने कम में बनी पिक्चर कितना ज़्यादा कमा ली। मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। उसी केस में क्या राम सेतु स्टैंड कर पाएगी, जो कि मुझे लगता है हाँ कर लेगी। राम सेतु के नाम से ही लोग काफ़ी इसको देखने जाएंगे, जय श्री राम करके, जो कि अच्छी बात है बहुत ज़्यादा। पर एक्चुअल में अगर मैं जाऊँ मूवी देखने और अगर ये मुझे डिसअपॉइंट कर देगी ये इस मामले में कि ये राम सेतु को ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें, शायद बस एंड के अंदर एक सीन दिखा दे जिसमें राम सेतु दिखा दे। तुमको क्या लगता है भाई, चीज बताओ, अगर तुम राम सेतु ढूंढ रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम जाओगे समुद्र में से जाके ढूंढोगे, ऑब्वियसली बात है उसमें क्या एडवेंचर होगा, ज़्यादा ज़्यादा बारिश बाढ़ आ जाएगी समुद्र में, पर ये तो गुफाओं में घूम रहे हैं जंगल में घूम रहे हैं, तो कोई स्टोरी का रिलेवेंस होगा ना उसके अंदर, क्या हो सकता है? राम सेतु की स्टोरी के अंदर एक गुफा वगैरह का जो रिलेवेंस होगा वो क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है ये ज़बरदस्ती का एडवेंचर डालने के चक्कर में इसको थोड़ा रूइन कर देंगे टॉपिक को, और टॉपिक के वजह से ये अच्छे खासे पैसा छाप के चले जाएंगे। मूवी ख़त्म, पैसा जाओ घर जाओ, अक्षय कुमार ऐसी पिक्चर है इस साल की 5वीं। अक्षय कुमार के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ और अपने मेन चैनल के ऊपर, अगर तुम्हें चाहिए कि वो मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ कैसे बनाऊँ, क्योंकि वो थोड़ी फनी वीडियो होगी, तुम उसको अभी नीचे जाकर उसके बारे में कमेंट कर सकते हो और मेरा चैनल भी देख लेना। I'm talking to you. सही जो यार कुछ जगह पे वीक हो जाता है लेकिन ऐसा जितना फर्क पड़ता नहीं कुछ जया वगैरह को देख के, खासकर आदि पुरुष के बाद। सीजे टीजर में काफ़ी ख़राब लग रहा था लेकिन इसमें वो काफ़ी ठीक लग रहा है, खासकर पानी वाले सीन, पानी से बाहर आने वाले सीन नहीं। वाह मैं क्या ही गवा रहा हूँ, पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लियो, लाइट ऑन करी नहीं, देखो रूम की लाइट से वीडियो बनी है। तो देखो टीजर ट्रेलर जो भी आता है मैं रिव्यू फिर भी ठीक ठाक कर देता हूँ, मेरी मूवी देखना क्योंकि वो हर बार पॉसिबल नहीं होता, और राम सेतु के साथ मुझे वही चीज़ लग रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता, मैं उसे देखने बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे लगता है राम सेतु मेरा वही काट देगा ऐसा कार्तिक टू ने काटा था, मैंने अभी भी रिंग लाइट ऑन नहीं करी। तो लोगों की इच्छा है कि मैं देखूँ राम सेतु तो फिर मुझे कमेंट कर देना, अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो फिर भी देखने चल जाऊँगा, और अगर मूवी अच्छी लग रही होगी तो भी देखना चल जाऊँगा, अभी तो फिलहाल एवरेज लग रही है, देखते हैं। Thank you very much. Good night.